कहानी की शुरुआत में ही हम दोनों दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम है रंजीत राय और दूसरे का नाम है हरवंश लाल सक्सेना और वो दोनों ही बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हैं और गरीब लोगों से उन दोनों को ही बहुत ज्यादा नफरत थी। और दूसरी तरफ हम रंजीत और हरवंश के बच्चे को देखते हैं। रंजीत के बेटे का नाम है अजय जिसके बचपन का दोस्त है राजा। राजा एक गरीब लड़का है और वो एक मैकेनिक है। तो दूसरी तरफ हरवंश के बेटी का नाम है मधु और मधु की बेस्ट फ्रेंड का नाम है काजल जो भी एक गरीब लड़की है। और रंजीत और हरवंश दोनों को ही अपने बच्चों की दोस्ती इन दोनों गरीब लड़का और लड़की से पसंद नहीं है और इसके बाद वो दोनों ही तय करते हैं कि क्यों ना उन दोनों के ही बच्चों की शादी एक दूसरे से करवा दी जाए इससे पहले कि वो लोग अपने लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करे जिन्हें वो लोग ना पसंद करे क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर लगता है कि जैसे उन लोगों के बेस्ट फ्रेंड दो गरीब लड़का लड़की है कि कहीं वो दोनों अपनी लाइफ पार्टनर भी कोई गरीब लड़का लड़की को ना पसंद कर ले और इसीलिए वो लोग एक मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर लॉयर से मैरिज के पेपर्स तैयार करवाते हैं और फिर रंजीत और हरवंश दोनों ही अपने बच्चों से धोखे से उस मैरिज सर्टिफिकेट पर उन लोगों के सिग्नेचर्स ले लेते हैं और ऑफिशियली अजय और मधु की शादी हो जाती है लेकिन उन दोनों को ही इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय और राजा के साथ मधु और काजल के एक दिन रास्ते में मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में ही राजा और मधु में उनके कार एक्सीडेंट को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ अजय और काजल पहली नजर में एक दूसरे को देख कर ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे से बार बार टकराते ही रहते थे। इसके बाद एक दिन अजय हिम्मत करके काजल को अपने मन की बात बता ही देता है। तो दूसरी तरफ राजा और मधु में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। इसके बाद मधु एक दिन काजल के साथ ऊटी में अपने एक बंगलो में छुट्टियां मनाने के प्लान्स बनाते हैं और ये बात जानने के बाद रंजीत भी अजय को ऊटी भेज देता है ताकि वहां जाकर मधु के साथ अजय की मुलाकात हो और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अजय राजा को भी अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन एयरपोर्ट में ही वो चारों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वो चारों एक साथ ही ऊटी पहुंचते हैं जहां पर मधु मजाक करने के लिए अजय और राजा को एक ब्रेक फेल गाड़ी में बिठा देती है लेकिन जैसे तैसे वो दोनों उस कार से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं और इसके बाद अजय और राजा काजल के साथ मिलकर मधु को भूत बनकर डराते हैं और जब मधु को इसके बारे में पता चलता है तो वो राजा को थप्पड़ मार देती है और इसके बाद गुस्सा करके राजा वहां से चला जाता है लेकिन काजल मधु को ये समझाती है कि इसमें उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कैसे उन लोगों को एक ब्रेक फेल गाड़ी में बिठा दिया इससे उन लोगों की जान भी जा सकती थी। और फिर मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजा से जाकर माफी मांगती है और राजा भी मधु को माफ कर देती है और इसके बाद उन दोनों का रिश्ता भी सुधर जाता है और धीरे धीरे वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद वो चारों वापस मुंबई लौटते हैं और अजय को काजल के साथ देखकर और राजा को मधु के साथ देखकर रंजीत और हरवंश दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन लोगों का प्लान कामयाब नहीं होता। इसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर रंजीत और हरवंश काजल और राजा को बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं जिससे कि वो दोनों अजय और मधु को छोड़ दे लेकिन वो दोनों इसके लिए इनकार कर देते हैं और फिर रंजीत और हरवंश जब ये कहते हैं कि अजय और मधु दोनों ही कानूनन शादीशुदा है तो मधु बहुत ही चालाकी से उस मैरिज सर्टिफिकेट्स को जला देती है जिसके बाद अब रंजीत और हरवंश के पास कोई और रास्ता नहीं रहता और वो चारों ही एक साथ होकर उन दोनों के खिलाफ खड़े होते हैं और ये देखकर रंजीत और हरवंश दोनों उन चारों को ये कहते हैं कि वो इस शादी को नहीं मानेंगे और फिर कोई और रास्ता ना देखकर रंजीत और हरवंश राजा और काजल को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं लेकिन इसी दौरान अजय बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ये देखकर रंजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर उन चारों से माफी मांगता है और वो अजय और काजल को खुशी खुशी अपना लेते हैं। दूसरी तरफ पहले हरवंश मधु और राजा को मारने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन आखिरकार
बार वो भी मान जाते हैं। फिर उन चारों की एंगेजमेंट सेरेमनी रखी जाती है, जहाँ पर काजोल और राजा काजोल के चाचा जी के साथ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन लोगों के साथ एक हादसा हो जाता है और काजोल को कुछ गुंडे उठाकर लेकर जाते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अहम मौके पर वहाँ पर राजा पहुँच जाता है और वो काजोल को उन लोगों से बचा लेता है और काजोल काफी डरी हुई थी और राजा उसे संभालता है। और इसके बाद वो लोग जब पार्टी में पहुँचते है तो काजोल और राजा दोनों ही अजय और मधु को इस हादसे के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी इसीलिए वो लोग सेरेमनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ही अचानक हॉल में अंधेरा हो जाता है, जहां पर अजय और राजा के बचपन के कुछ फोटोज आने लगते हैं और इन्हीं फोटोज के बाद वहां पर राजा और काजोल के वही फोटोज आते है जब ये हादसा होने के बाद वो दोनों एक साथ थे और राजा काजोल को संभाल रहे थे। और ये फोटो देख कर वहां पर मौजूद सबको ये गलतफहमी होती है कि शायद काजोल और राजा के बीच कोई रिश्ता है। और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल ये रंजीत और हरवंश का मिला हुआ एक चाल है। वो दोनों अभी तक राजा और काजोल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन दोनों को अजय और मधु के नजरों में गिराने के लिए ही उन लोगों ने ये चाल चली थी। और यहाँ तक कि काजोल के चाचा जी को भी उन लोगों ने पैसे दिए थे, जिससे कि वो भी अजय और मधु के सामने ये झूठ कहते हैं कि काजोल और राजा के बीच बहुत सालों से रिश्ता है। काजोल और राजा अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अजय और मधु उन लोगों की कोई भी बात पर यकीन नहीं करते। और इसके बाद अजय राजा पर हाथ भी उठाता है। आखिरकार काजोल और राजा वहाँ से चले जाते हैं और काजोल के पास अब जाने की कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए राजा काजोल को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और उसे अपनी बहन मानता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये चारों ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी दुखी थे। इसके बाद एक दिन काजोल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है और राजा उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर आता है और उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर काजोल को देखने वाले थे वो किसी और हॉस्पिटल में गए हैं और राजा काजोल को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। दरअसल वो हॉस्पिटल एक मेटर्निटी हॉस्पिटल थी और वहीं पर ही डॉक्टर काजोल की ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं काजोल थोड़ी कमजोर है। लेकिन इसके बाद जब राजा काजोल को वहां से लेकर जा रहा था, तभी अजय और मधु भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और जब वो दोनों राजा और काजोल को इस हॉस्पिटल में देखते हैं तो वो वहां के एक गार्ड से पूछताछ करते हैं और उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि काजोल राजा के बच्चे की मां बनने वाली है। और ये जानकर वो दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं और उनको लगता है कि राजा और काजोल अपनी जिंदगी में खुश है तो वो दोनों क्यों दुख मनाए। इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि वो लोग भी एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद वो दोनों राजा और काजोल से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं और पहले तो वो लोग राजा और काजोल को बहुत बेइज्जत करते हैं। इसके बाद वो दोनों उन दोनों को कहते हैं कि वो लोग शादी करने वाले हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और ये बात जानकर काजोल बहुत ही ज्यादा हताश हो जाती है और वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन अहम वक्त पर राजा उसे बचा लेता है और वो कहता है कि उन लोगों के ऊपर जो कुछ भी बीत रहा है उसका सबक वो उन लोगों को जरूर सिखाएगा। फिर एक दिन रात को जब मधु और अजय कार से जा रहे थे, तब अचानक राजा उन लोगों पर हमला कर देता है और वो अजय को बेहोश करके मधु को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहां पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो मधु के साथ जबरदस्ती करने वाला है। लेकिन तभी वहां पर अजय पहुंच जाता है और वो राजा को बहुत मारता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और फिर अजय जाकर देखता है कि मधु बहुत ही डरी और सहमी हालत में एक जगह पर बैठी हुई थी और वो मधु को संभालने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में राजा को बहुत मारा जाता है और काजोल वहां पर आती है और उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर काजोल को पता चलता है कि दरअसल रंजीत और हरवंश ने ही पुलिस को राजा को यहाँ पर पकड़ कर मारने के लिए कहा है। और काजोल उन लोगों के पास पहुँचती है और रंजीत और हरवंश से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग राजा को छोड़ दे। और उस दिन मधु और अजय की भी शादी थी और रंजीत काजोल को कहता है कि वो एक शर्त पर राजा को छुड़वा सकता है कि वो आज ही ये शहर छोड़कर ये देश छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाएंगे और कभी भी यहाँ पर वापस नहीं लौटेंगे। अगर उन लोगों को यहाँ पर
देखा गया तो उन लोगों को मार दिया जाएगा। और फिर रंजीत पुलिस स्टेशन फोन करके राजा को छोड़ देने के लिए कहता है और उन लोगों को एक शिप में बिठाकर इस जगह से रवाना कर दिया जाए। इसके बाद काजोल राजा के पास जाती है और पहले तो राजा यहाँ से जाने के लिए मना करता है, लेकिन काजोल उसे बहुत समझाती है और उसका वास्ता देती है। तब जाकर राजा उसकी बात मानता है और वो दोनों ही ये शहर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। तो दूसरी तरफ अजय और मधु की शादी होने वाली थी, लेकिन वो दोनों ही इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब रिचुअल्स होने वाले थे तभी वहाँ पर अजय के मामा आते हैं और वो उसी दिन के फोटोज वहाँ पर सबके सामने दिखाते हैं जिस दिन राजा ने मधु पर हमला किया था और फिर अजय मधु को संभाल रहा था। और वो अजय और मधु के फोटोज के साथ राजा और काजल के फोटोज को एक के बाद एक करके दिखा रहे थे और ये देखकर अजय और मधु बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और अजय के मामा अजय को कहते हैं कि इन दोनों फोटो के ही सच्चाई एक है और उस दिन काजल के साथ भी वही हादसा हुआ था जो मधु के साथ हुआ था। और राजा भी सिर्फ अजय की तरह ही काजल को संभाल रहा था। और वो ये भी कहते हैं कि उस दिन काजल और राजा के साथ जो कुछ भी हुआ था इसके पीछे अजय और मधु के पिता का ही हाथ है। और फिर वहाँ पर वो काजल के चाचा जी को भी लेकर आते हैं जो भी अजय और मधु के सामने ये सच्चाई कहते हैं कि उन्होंने पैसों के लिए ये सब कुछ झूठ कहा था। और सारी सच्चाई जानने के बाद मधु और अजय अपने अपने पिताओं पर काफी गुस्सा होते हैं और अजय अपने पिता पर हाथ भी उठाता है, लेकिन फिर वो खुद को मारने की कोशिश करता है और मधु उसे रोकती है। और अजय के मामा से उन लोगों को पता चलता है कि राजा और काजल ये देश छोड़कर जाने वाले हैं। और फिर अजय और मधु तय करते हैं कि वो लोग उन लोगों से मिलने के लिए जाएंगे और उन लोगों से माफी मांगेंगे। और फिर बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए वो लोग काजल और राजा तक पहुंचते हैं और उन लोगों को रोक लेते हैं और उन दोनों से ही अजय और मधु माफी मांगते हैं और काजल और राजा उन लोगों को माफ कर देते हैं और ये चारों ही एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर रंजीत और हरवंश आते हैं और पहले ये चारों उन लोगों को देखकर वहाँ से चले जाने लगते हैं, लेकिन फिर शिप के कैप्टन से उन लोगों को ये पता चलता है कि दरअसल रंजीत ने ही शिप को आधा घंटा डिले कर दिया था जिससे कि अजय और मधु राजा और काजल से मिल सके। और ये बात जानने के बाद वो चारों ही काफी हैरान होते हैं। इसके बाद रंजीत और हरवंश उन चारों के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उन लोगों को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था, लेकिन अमीर होने के बावजूद भी वो लोग सबसे ज्यादा गरीब है और उन लोगों की असली दौलत उन लोगों की बच्चे ही है। इसीलिए वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग उन्हें छोड़कर ना जाए। और इसके बाद वो चारों भी इन दोनों को माफ कर देते हैं और फिर सब एक साथ बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।